दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। फाल्गुनी पाठक जी ने बहुत दिन से इसका रिक्वेस्ट किया था। उनका रिक्वेस्ट था बैक साइड पे छोटा नेक 3 इंच या 4 इंच उतना तक उनको डीप चाहिए और फ्रंट पे कितना डीप चाहिए वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो देखिए ये जो ब्लाउज है ये बैक साइड पे उठा हुआ है और फ्रंट पे थोड़ा सा डीप नेक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना परफेक्ट फिटिंग आप कैसे पा सकते हो, किस तरीके से काट करना है। मैं जिस तरीके से समझाती हूँ अगर आप उसी तरह इस ब्लाउज का कटिंग करते हो, सिलाई करते हो, तब देखिएगा आपका ब्लाउज भी इतना परफेक्ट फिटिंग्स होगा। ये फ्रंट साइड पे देख सकते हैं कहीं पे कोई भी रिंकल्स नहीं है। जो फैब्रिक है सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल भी सॉफ्ट फैब्रिक नहीं है, फिर भी देखिए कितना अच्छा इसका फिटिंग्स हुआ है। और जो ब्लाउज ये 4 टक्स है उनको 4 टक्स ब्लाउज में चाहिए। और इसके बैक साइड देखिए, देख सकते हो बैक साइड भी कितना अच्छा फिटिंग्स हुआ है। देखिए इस तरह का जब फैब्रिक होता है ना उसमें थोड़ा सा रिंकल्स होता है, आप कैसे भी सिलाई करो फिर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका फिटिंग्स हुआ है। तो इतना परफेक्ट अगर आपको फिटिंग चाहिए उस टाइम पे आपको मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगी कैसे इसको काट करना है। और एक बात कि जो ब्लाउज है इसका कटिंग और सिलाई का वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो का कॉमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, जरूर वॉच कर लेना। तो फिर चलिए किस तरीके से ब्लाउज काट करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सीख लेते हैं। तो देखिए अभी लंबाई मैंने यहाँ पे 16 इंच लिया। अगर आपका हाइट नॉर्मल है उस टाइम पे 16 लीजिएगा, और नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है जैसे होता है ना 5 फुट 5 इंच 6 इंच उस टाइम पे आपको 17 इंच रख देना है। तो 16 का मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। आपने मुझे सिर्फ यहाँ पे बोला था बैक साइड पे छोटा नेक चाहिए 3 इंच या 4 इंच और फ्रंट पे आपने कोई भी नेक डीप मेंशन नहीं किया था, तो उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए अगर आप बैक और फ्रंट दोनों साइड पे छोटा रखना चाहते हो, 3 इंच या 4 इंच लेना चाहते हो नेक डीप, उस टाइम पे ये बूट नेक होगा। तब देखिए शोल्डर आपको सिर्फ यहाँ पे 7.5 इंच रखना है। अगर आप सिर्फ बैक साइड पे छोटा नेक रखना चाहते हो, फ्रंट पे थोड़ा सा ज्यादा, उस टाइम पे देखिए आप यहाँ पे मिनिमम 7.5 इंच रख दीजिएगा। आपका शोल्डर का मेजरमेंट मेरे पास नहीं है, आप खुद मेजरमेंट ले लीजिएगा या कोशिश कीजिएगा किसी से आपका शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए। जितना शोल्डर आता है उसके साथ आपको 1/2 इंच ऐड कर लेना है जब सिर्फ बैक साइड पे छोटा नेक होता है, फ्रंट पे थोड़ा सा ज्यादा होता है उस टाइम पे। अगर बैक और फ्रंट दोनों साइड पे छोटा होता है उस टाइम पे आपको 7.5 इंच रख देना है। अभी देखिए बूट नेक के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 2 सूत या 3 सूत डाउन करना है। अगर बूट नेक होता है तो, अगर बूट नेक नहीं होता है उस टाइम पे 1.25 इंच से 2 सूत कम आपको जरूर डाउन करना है, नहीं तो आपका शोल्डर फिटिंग अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे आर्महोल लेना है। आर्महोल यहाँ पे आप 6 इंच से 2 सूत भी ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा लूजिंग रखना चाहते हो उस टाइम पे आप 6.5 इंच रख दीजिएगा ऐसे। यहां से भी लेना है 7.5 इंच, दोनों पॉइंट को मिलाना है। यहां से छाती का चौथा हिस्सा लेना है, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच पे निशाना लगा देना है। इसके साथ देखिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे आर्महोल की गोलाई देखिए आप 1/2 इंच पे रखिएगा, इस साइड पे थोड़ा सा अंदर की साइड से लेना है। यहाँ पे जरूर आपको डाउन करके देना है, तब क्या होता है बैक साइड पे रिंकल्स बहुत ही कम होता है। टोटल जितना छाती है उससे आपको 1/2 इंच कम लेना है कमर के लिए। इस तरीके से लेने से अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होगा। ब्लाउज या कुर्ती का जब बैक साइड पे नेक डीप छोटा होता है उस टाइम पे आपको यहाँ पे नेक का चौड़ाई मिनिमम 3.5 इंच रख देना है इतना। और नीचे की तरफ देखिए मैं 3 इंच रखूंगी, आपने जिस हिसाब से बोला था उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशाना लगाऊंगी। इसको सीधा करना है। यहाँ पे नेक का गुलाई हो गया है, अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। यहाँ पे 5.5 इंच पे रख देना है और ऊपर की तरफ 6 इंच उठा लेना है।
बैक पार्ट काटिंग करने के बाद स्लीव्स के लिए आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे 8 इंच हुआ है, लगभग 100 के आसपास यहाँ पर ज्यादा है, तो जितना मिला है उससे मैं हाफ ही ज्यादा रखूंगी। तो देखिए मैं 9 इंच से 300 यहाँ पे कम रखूंगी। अगर आप न्यू हो उस टाइम पे मैं बोलूंगी और भी आप 100 ज्यादा ले लीजिएगा, आप 9 इंच से 200 कम लीजिएगा स्लीव्स का चौड़ाई। स्लीव्स का लेंथ मैं 8 इंच रखूंगी, आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा। स्लीव्स अलग अलग साइज के लिए स्लीव्स कैसे काटना है उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन है, फ्लावर है, फ्लावर को देखना ही ऊपर की तरफ रहेगा। मैं यहाँ से आर्मोल लेना है और यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ डाउन करना है 4.5 इंच, इसको तिरछा करके ऐसे मिलाना है। और एक बात रहेगी, स्लीव्स का चौड़ाई मैंने नहीं लिया था, देखिए 9 इंच से 200 यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऐड करना है बाद में इस साइड पे। यहां से 2.5 इंच, मोहरत पे यहाँ पे कोई भी शेप नहीं देना है क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ा सा जॉइन करना है, जॉइन नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे फ्रंट के लिए आपको जरूर शेप देना है, हल्का सा काट लगा के रख देना है। इसमें देखिए जो फ्लावर्स है इसको देखना ही ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पे हाफ ही छोड़ देना है हुक और आई के लिए, उनको फ्रंट पे हुक चाहिए। अभी इसको सीधा मिलाना है, पहले मिला के रख देना है, इसको यहाँ पे बराबर मिलाना है। अभी देखिए बैक पार्ट पे आर्मोल कितना था, 6.5 इंच, पहले इसको सीधा कर लो। अभी यहां से देखिए 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है। जब भी कॉलर हो, हाई नेक हो, बोट नेक हो, आपको 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है, इसको सीधा मिलाना है। फिर यहां से थोड़ा सा शेप देना है, इस सेट पे हल्का सा लगभग 100 आप ऊपर की तरफ उठा लो। तब क्या होता है किसी किसी का, अगर आपका बाजू बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा पतला है उस टाइम पे यहाँ पे लगभग 100 उठा लीजिएगा। सबसे पहले हमें फ्रंट नेक डीप लेना है, अगर आप फ्रंट पे छोटा नेक चाहते हो उस टाइम पे आप 6 लीजिएगा, थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए तो 7.5 इंच ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे उनके हिसाब से 6 रखूंगी, आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसको सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। इस तरीके से आपको शेप देना है तो फ्रंट पे देखने में अच्छा लगेगा। शोल्डर से आपको बास्ट पर निकाल लेना है 10.5 इंच पे। अभी यहाँ पे क्या करना है, जितना आपका फुल बस्ट होता है, देखिए जितना आपका फुल बस्ट होगा, ये 38 साइज है, इसमें देखिए 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43 भी हो सकते हैं, हर किसी का फुल बस्ट अलग अलग होता है। नॉर्मल जो साइज आता है उसी हिसाब से मैं समझाऊंगी। 41 अगर आपका फुल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड करना है, जो भी साइज आपका हो। अभी देखिए 4.1 इस पे आपको एपेक्स पॉइंट रख देना है। यहाँ पे जो टक्स होता है इसको एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। टक्स अगर सही बराबर नहीं होता है उस टाइम पे फिटिंग्स अच्छा नहीं होता है, तो 4.1 पे मैं यहाँ पे निशाना लगा लूंगी। इसको सीधा आपको नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ से भी टक्स देना है, 3.5 इंच का टक्स देना है। अगर आपका फुल बस्ट 40 होता है
उस टाइम पे आपको 2.5 का लेना है। इसको इसके साथ मिलाना है, यहां से एक टच देना है बिल्कुल इसकी बराबर करके, मिडल से आपको यहां से 1.5 इंच छोड़ देना है ऐसे। आर्महोल से आपको 4.5 इंच पे देना है टक्स, 4.5 इंच पे देने से अच्छा होता है। इसको सीधा इसके साथ लेके आना है। डेढ़ इंच छोड़ देना है। अभी यहां से थोड़ा सा आपको ऐसे शेप देना है, तब देखिएगा फिटिंग्स अच्छा होगा। अभी यहां से देखिए आपको लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, अगर आप न्यू हो उस टाइम पे मैं बोलूंगी आप 2.5 इंच लीजिएगा और यहां से आप 1/2 इंच रख दो। इस टाइम पे नहीं लेने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर भी लेने से आपका अच्छा होता है। सिलाई में अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हुआ है उस टाइम पे यहाँ पे मेहनत होता है। ऐसे इसको मिलाना है। अभी नीचे की तरफ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, कोई भी साइज का हो आप नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, नहीं तो बैक के हिसाब से फ्रंट का लंबाई छोटा होता है। यहां से देखिए और एक टक्स देना है, ये आप अपनी पसंद के हिसाब से दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, 6.5 भी ले सकते हो, कहीं पे भी आप ये दे सकते हो। तो मैं 5 इंच पे रख दूंगी। इसको ऐसे तिरछा कर दो। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया है, यहां से 1.5 इंच छोड़ दो। हो गया है बराबर, यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। पूरा काटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अस्तर देना है उस टाइम पे इसके हिसाब से अस्तर काट कर लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी अस्तर नहीं लगाऊंगी। देखिए सिर्फ काटिंग बराबर से करने से नहीं होता है, सिलाई भी बहुत ही जरूरी है। सिलाई आपको सही तरीके से करना है, अगर सिलाई बराबर से नहीं होता है उस टाइम फिटिंग आपका कभी भी नहीं होगा। तो दूसरे वीडियो में आपको सिलाई दिखाऊंगी, सिलाई का वीडियो जरूर देखना। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है किस तरीके से ब्लाउज काटिंग करना है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे जितना मैंने समझाया कहीं पे आपका डाउट रह गया है आप लोग जरूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी आपको समझाने के लिए। वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना। टाटा।